इस वेले की वड्डी खबर लुधियाना तो सामने आ रही है, जिथे पुलिस टीम ते इट्टां ते पत्थरां नाल हमला कर दिता गया। जानकारी मुताबिक छौनी मोहल्ले च करफ्यू दौरान क्रिकेट खेड रहे नौजवानों नूं पुलिस रोकण लई गई, तां नौजवानों ने पुलिस ते हमला कर दिता। इस हमले च PCR दे KSI दे सिर च इट लगी, जिस नाल ओह गंभीर रूप च जख्मी हो गया, जिसनों लाजरी हस्पताल विच भर्ती करवाया गया। इस तों बाद पुलिस ने फोर्स बुला के नौजवानों नूं हिरासत विच ले लिया। इस खबर की होर जानकारी लई जुड़दे हां लुधियाना तो साढ़े पत्रकार रजिंदर अरोड़ा दे नाल। रजिंदर, जिहड़ा लुधियाने दे विच पुलिस टीम ते हमला होया, पूरा मामला की है? जी बिल्कुल कुलदीप, दस दिए कि लुधियाना दे छौनी मोहल्ले इलाके की जिहड़ी सारी घटना हैगी है। दस दिए कि क्रिकेट खेल रहे जिहड़े नौजवान सी, उन्हां नूं पुलिस वल्लों रोकण की कोशिश की गई, तो जिहड़ा PCR जिहड़ा उत्थे दस्सा गया सीगा, उन्होंने उत्ते इलाके के जेडे क्रिकेट खेल के नौजवान थे उन्होंने वालों दस दिए कि हमले तो बाद जेडे दसा जा रहा है कि कुछ पुलिस मुलाजम जख्मी भी हुए हैं, जिसन इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। तो फिलहाल जी मौके पर पहुंची पुलिस वालों कुछ नौजवानों को हिरासत के भी लिया गया है, और सूत्रों को जी मिली जानकारी अनुसार 5 to 6 जेडे नौजवान ने उन्होंने हिरासत के लिया गया। हालांकि पुलिस वालों क्योंकि पुलिस वालों हाले कोई भी बयान सामने नहीं आया, इससे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर इतना जरूर है कि एक ASI जो रैंक का अधिकारी था PCR दस्ते से उसके उत्ते जरा हमला किया गया, उससे जरा जख्मी होने की खबर जरूर सामने आई है। जानकारी देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्फ्यू दौरान पुलिस हमले दीआं घटनावां लगातार वधदीआं जा रहीआं ने। करोना तो लोगों नूं बचाउण लई पुलिस उन्हां नूं घरां च रहण की अपील करदी है, पर उल्टा लोग पुलिस ते ही हमला कर रहे ने, जो कानून दे बिल्कुल उल्टा है। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट, ग्लोबल पंजाब TV।